हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर एके सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी और सभी लाइब्रेरी स्टूडेंटों को सबसे पहले तो आज नवरात्रों की बधाई हो और कल आपके दशहरे की बधाई हो। जो भी स्टूडेंट यानी कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उस सभी के लिए आज का दिन और कल का दिन आपका थोड़ा सा फ्री और रिलैक्स रखा गया, जिससे आप अपने त्यौहारों को मना सकें, जिससे आप क्या करें दशहरे के मेले को देख सकें और जिससे आप क्या कर सको अपने जो इन्जॉय का टाइम है उसे भी इन्जॉय कर सको। तो देखो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई हर हालत में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें चाहिए एक नौकरी, पर पढ़ाई के साथ साथ अगर फ़न को नहीं लेंगे या फिर अपना फ्री टाइम को नहीं लेंगे और जो हमारी चीज़ें कुछ उनको नहीं लेंगे और जो हमारी परंपराएं उनको नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए जैसे एक कैदी होता है, एक कमरे में बंद रहता है और उसी के साथ यानी कि वो कमरे में बंद रहता है, वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप भी क्या करोगे खाली पढ़ते पढ़ते रहो तो क्या है कि वो क्या है वही बात हो जाएगी, पर आपका थोड़ा सा आरपीएससी और ईएमआरएस वाले के ऐसे ऐसे टॉपिक पे यानी कि नॉर्मल टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी आज और कल। वीडियो का नाम रुकेगी नहीं, पर आपको वीडियो सारी नहीं मिली, जैसे आपके यूजीसी नेट की वीडियो आपको क्या नाम आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। कल भी वो क्या है, जब आप पूरा का पूरा अपने त्यौहार देख लोगे तब आप उस चीज़ को क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, यानी कि आपका त्यौहार भी बन जाएगा जिससे आपको क्या हो परेशानी ना हो। देखो, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, टाइप ऑफ यूज़र है, यानी कि आपके बहुत आसान आसान से टॉपिक है टाइप ऑफ यूज़र, यूज़र स्टडी, यूज़र एजुकेशन, ये आपके मैं यानी कल आपको दोनों के दोनों टॉपिक डाल दूंगा जिससे आपको खेलते खेलते यानी कि ये तो सीधी बात ही है, अगर आप इन्हें पढ़ो भी ना तो आपको सारों को इस टॉपिक का पता है। टाइप ऑफ यूज़र क्या होता है, देखो सीधी बात ये, आप क्या कर रहे हो, टाइप ऑफ यूज़र उसे कहते हैं जिसमें क्या है लाइब्रेरी में, यानी लाइब्रेरी में जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने भी यूज़र आ रहे हैं, जितने भी पाठक आ रहे हैं, उस वो क्या कर रहे हैं लाइब्रेरी को अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक आ रहा है यूपीएससी वाला, एक आ रहा है एसएससी वाला, एक आ रहा है आपका मान के चलिए स्टेट टेट वाला, एक आ रहा है आपका लाइब्रेरी वाला। तो यानी कि इसकी नीड अलग है, इसकी नीड अलग है, इसकी नीड अलग है, इसकी नीड अलग है। तो क्या है कहीं ना कहीं टाइप ऑफ यूज़र, यूज़र के टाइप क्या बताता है, एक यानी कि लाइब्रेरी में क्या है पाठक जो है पढ़ने वाला जो लाइब्रेरी को यूज़ करने वाला है, एक तो आ रहा है किताब के लिए यानी कि उसके पास इतना पैसा नहीं है और यानी कि लाइब्रेरी में उसे क्या है महंगी महंगी किताब मिल जाती है, तो वो महंगी महंगी किताब क्या करता है वहाँ पर क्या करता है इशू करा के उसके उसमें से नोट्स बनाता है, नोट्स बनाकर वो अपने क्या है वापस उसे क्या करता है जमा करा देता है। एक यूज़र वो हो गया, एक यूज़र क्या है कि उसे क्या है कि उसे पढ़ने का स्पेस नहीं मिल रहा, फ्रीली टाइम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है वो लाइब्रेरी में आके पढ़ लेता है। एक यूज़र क्या है कि वो एक एनवायरमेंट चाहता है लाइब्रेरी का, यानी कि एक यूज़र क्या है वो अपने गोल पे फोकस करने, यानी कि टाइप ऑफ यूज़र क्या बताता है, टाइप ऑफ यूज़र ये बताता है कि हमारी लाइब्रेरी में हमारे पाठक हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें किस किस तरह के यूज़र आते हैं वो उस चीज़ को बताता है। और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा धुरंधर टॉपिक नहीं है, इसमें क्या कहता है इसमें यही बताता है कि टाइप ऑफ यूज़र क्या कहता है, टाइप ऑफ यूज़र की डिमांड क्या है, टाइप ऑफ यूज़र क्या चीज़ होती है, यानी कि हर लाइब्रेरी में क्या है अलग अलग पाठक है और अलग अलग पाठक को क्या बताता है कि अलग अलग पाठक क्या दर्शाता है। एक पाठक को क्या है एक नीड है, दूसरे पाठक को अलग नीड होगी, तीसरे पाठक को अलग नीड होगी। तो टाइप ऑफ यूज़र ये बताता है कि हमारे क्या है नीड्स अलग अलग है, हमारे थिंकिंग अलग अलग है, हमारे पढ़ने का तरीका अलग अलग है, हमें ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो वही आपका टाइप्स ऑफ यूज़र होता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा टॉपिक और सभी को फिर से दोबारा नवरात्रों के 9 दिनों के जो आज का क्या है नवरात्रि के क्या है बधाई हो और कल का दशहरे के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।